Good morning, friends. I am TK Kole and you are watching my channel Hod Live. आज मैं मोरिंगा के खेती के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। सहजन की हर पार्ट इस्तेमाल होता है। बिहार में इसका पॉड यूज होता है, लेकिन अगर बंगाल में जाएं इसका फूल भी खाते हैं। इसको स्टार फ्राई करके बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। ये छोड़ के इसका बीज जो होता है, वो बीज को पाउडर करके पानी का शोधन के लिए इस्तेमाल होता है और इसका जड़ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। मोरिंगा का जितना पार्ट यूजफुल है, सबसे ज्यादा हेल्दी पार्ट है इसका लीव्स। इसमें दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, केले से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है और पालक से 19 गुना ज्यादा आयरन होता है। ये छोड़ के फाइबर और विटामिन ए में ये भरपूर होता है। सहजन में अभी तक जितना वैरायटी रिलीज हुआ है, उसमें 3 वैरायटी बहुत अच्छा है। एक है PKM1, दूसरा है PKM2, तीसरा है ODC3। PKM1 और PKM2 ये दोनों वैरायटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ है। ये दोनों वैरायटी मोटा वाला होता है, बारामासी टाइप का होता है और गुद्दा बहुत ज्यादा होता है। और ODC3 एक प्राइवेट कंपनी का वैरायटी है। आप लोगों को अगर ये वैरायटी का सीड परचेज करना है, नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। सहजन हर तरह का सॉइल में हो सकता है, लेकिन एक डीप सैंडी लोमी सॉइल इसके लिए बहुत बढ़िया होता है, जैसे दोमट मिट्टी जिसका आइडियल पीएच होना चाहिए 6.5 to 8। और अगर क्लाइमेट देखा जाए, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कल्टीवेशन के पहले 45 क्यूबिक सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना चाहिए और प्लांट टू प्लांट का जो दूरी होना चाहिए 2 मीटर से 2.5 मीटर, और हर गड्ढा में 15 kg FYM डाल देना चाहिए। जनरली हाई डेंसिटी प्लांटिंग में स्पेसिंग कम होता है। PKM के लिए 1.5 × 1 मीटर स्पेसिंग होता है और PKM2 के लिए स्पेसिंग होता है 1.2 × 1.2, जहां हर हिल और हर गड्ढा में 2 बीज डाला दिया जाता है। सीड आप डायरेक्टली जमीन में सोइंग कर सकते हैं। उसके लिए सीड रेट होगा 0.5 किलो प्रति हेक्टर और हर पीट में 2 सीड डालते हैं, जिसका डेप्थ होना चाहिए 2.5 to 3 सेंटीमीटर। आप नर्सरी भी बना सकते हैं। यहाँ नर्सरी आपको पॉली बैग में बनाना चाहिए और पॉटिंग मिक्सचर में ये सीड को डालना चाहिए। जनरली 35 से 40 दिन के बाद ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। ट्रांसप्लांटिंग का फेवरेबल टाइम है July to October। बारिश का दिन में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आसानी से ये एस्टैब्लिश हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग गैप फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्या होता है, कुछ पौधा मर जाएगा, कुछ बीज जहां देंगे हो सकता है वहां दोनों बीज ही ना जमे, तो उस जगह में आपको नर्सरी से अलग पौधा बना के उस जगह में गैप फिलिंग करना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है पिंचिंग ऑफ। पिंचिंग ऑफ क्या है, सहजन की जो ऊपर वाला भाग है इसको तोड़ देना है। आप कैंची से भी तोड़ सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जब पौधा का हाइट 75 सेंटीमीटर होगा, आप ऐसा अगर तोड़ देंगे तो इस ब्रांचिंग को इंड्यूस करेगा, ज्यादा ब्रांच निकलेगा। शुरुआती दौर में जब पौधा ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। काउपी, भिंडी, टोमेटो इसके लिए आइडियल माना जाता है। सहजन की खेती में मैन्यूरिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जब पौधा का उम्र 3 महीना होता है, तब 45:15:30 ग्राम NPK हर पीट में डालना चाहिए। और जब पौधा का एज 6 महीना हो जाएगा, तब केवल 45 ग्राम नाइट्रोजन हर पीट में डालना चाहिए। जन बिना पानी में भी अच्छा से ग्रो हो सकता है। आप गांव में देखेंगे बहुत सारा पौधा है जिसमें कभी पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन उसमें अच्छा खासा फ्रूटिंग होता है। लेकिन आप जब
कॉमर्शियल खेती के तरह जाएंगे, आपको पानी देना अनिवार्य है। जब बीज आप खेती में डायरेक्ट सोइंग करेंगे, सोइंग के पहले इरिगेशन डालना चाहिए और सोइंग के 3 दिन बाद और एक इरिगेशन देना चाहिए। बाद में हर 10 से 15 दिन अंतर सॉयल के अनुसार आपको पानी देना जरूरी है। मोरिंगा में पॉड फ्लाई एक मेजर पेस्ट है, इसके लिए आप सॉयल एप्लीकेशन कर सकते हैं थाया मिथोक्सोडम जो वेटेबल ग्रैनुल है, नहीं तो और एक नीड बेस्ड फोलियर स्प्रे कर सकते हैं स्पाइनोसेड और प्रोफेनोफॉस से। और इम्पोर्टेंट एक इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं लीफ ईटिंग कैटरपिलर, ये गांव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए तो कार्बारिल डस्ट और कार्बारिल स्प्रे से आप कंट्रोल मिल सकते हैं, लेकिन इसके सही आसान उपाय है रात में आग जला के इसको अगर आप जला देंगे बहुत इजीली ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। सहजन ट्रांसप्लांटिंग के 4 महीना से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। वैरायटी के अनुसार अलग अलग यील्ड होता है। जेनरली एक ट्री में प्रति साल 220 पॉड होता है। अगर ये हेक्टर प्रति कैलकुलेट किया जाए 50 से 55 टन पॉड तैयार होता है। मोरिंगा का 2 मेजर प्रोसेस प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है। एक है मोरिंगा लीफ पाउडर और एक है मोरिंगा सीड पाउडर। तो मोरिंगा लीफ पाउडर आप कैसे तैयार करेंगे? पहले मोरिंगा लीफ को आप अच्छा से धो लीजिए, उसके बाद पानी को निकालने के बाद उसको रूम टेम्परेचर में 25 दिन से शेड में सुखाइए, उसके बाद इसको मिलिंग में पाउडर करके आप इसको अच्छा से सीविंग करके पैकेजिंग करके सेल कर सकते हैं। और मोरिंगा सीड को क्लीन और डीहलिंग करने का जरूरत है। डीहलिंग के बाद इसको ड्राइंग करिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसके बाद मिलिंग करके सीविंग करके इसका पाउडर बना सकते हैं। यह KMEC कंपनी का एक ग्राइंडर मशीन है। इस मशीन से मोरिंगा सीड को कैसे डीहलिंग करके सीड बनाने सकते हैं वो प्रोसेस इसमें संभव है। आप अगर ये मशीन खरीदना चाहते हैं नीचे दिया गया हुआ लिंक में क्लिक करें और ये कंपनी के साथ संपर्क करें। मोरिंगा लीफ पाउडर बनाने का 6 मेजर स्टेप है। ये 6 मेजर स्टेप अगर लार्ज स्केल में करना चाहेंगे उसके लिए वॉशिंग फैसिलिटी, डीवाटरिंग फैसिलिटी, डिहाइड्रेशन मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन, ये सब का जरूरत है। आपके पास अगर पूंजी कम है आप रुद्र सोलर एनर्जी से सोलर डिहाइड्रेटर परचेज कर सकते हैं और पिरामिड प्लास्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी से इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेशन मशीन खरीद सकते हैं। ग्राइंडिंग करने के लिए रूपाली 5 लीटर ग्राइंडर परचेज कर सकते हैं और एवेंगार्ड एंटरप्राइज से आप फिल्म फॉर्म सील वाला पैकेजिंग मशीन खरीद सकता है। मोरिंगा लीव्स पाउडर बनाने के बाद इसको बाजार जाकर करने के लिए आपको बायर को ढूंढना पड़ेगा। आप सीधा बायर मिलेगा bolja.com से, जहां आप डायरेक्टली बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह हॉर्टिकल्चर रिलेटेड डिफरेंट उद्योग के बारे में जानना चाहेंगे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए मेरा चैनल हॉट लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद।